भारत माता की yeah! भारत माता की yeah! भारत माता की yeah! वंदे yeah! वंदे yeah! खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के जर्सी लोगो मैस्केट लॉन्च के शुभ शुभ अवसर पर आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के यशस्वी एवं लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय खेल मंत्री आदरणीय गिरीश चंद्र यादव जी परिवहन मंत्री आदरणीय दयाशंकर सिंह जी अडिशनल चीफ सेक्रेटरी और खेल सचिव आदनीय नवनीत सहगल जी भारत सरकार और राज्य सरकार के सभी माननीय अधिकारीगण यहाँ पर उपस्थित मेरे सभी प्रिय खिलाड़ी साथियों मेरे युवा भाई और बहनों और मीडिया से आए हुए मेरे प्रिय मित्रों खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के मैस्कट जर्सी और लोगो लॉन्च के शुभ अवसर पर मैं भारत सरकार की ओर से और अपनी ओर से आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को उनकी सारी टीम का आप सब की ओर से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं मित्रों अभी से कुछ दिन पहले ही हमने खेलो इंडिया लॉन्च के पांच वर्ष पूरे भी किए हैं और आज ये सौभाग्य भी मिल रहा है कि जो एक सपना एक सोच एक संकल्प लेकर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने खेलो इंडिया अभियान को लॉन्च किया था वो बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ा है पांच वर्षों में एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनकर तैयार हुआ है कि जहाँ खिलाड़ियों को तलाशने का काम किया जाता है और फिर उनको तराशने का काम भी किया जाता है और मैं कह सकता हूं पिछले कई वर्षों में बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे जिन्होंने खेलो इंडिया के पटल पर इस मंच पर आकर अपनी प्रतिभा को दिखाया स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से लेके बाकी सब ने अगर उन खिलाड़ियों को पकड़कर आगे ट्रेनिंग देने का काम किया तो वही खिलाड़ी हमारे कॉमनवेल्थ गेम वर्ल्ड चैंपियनशिप से लेकर ओलंपिक्स तक गए और देश के लिए मेडल जीतने का काम भी उन्हीं खिलाड़ियों ने किया है और आज मैं कह सकता हूं अगर तीसरा संस्करण खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का कहीं पर होने जा रहा है और आज तक का सबसे बड़ा आयोजन खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का कहीं होगा तो उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है यह माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का भी प्रदेश है और माननीय योगी आदित्यनाथ जी का भी प्रदेश है यह देश की सबसे बड़ी आबादी वाला प्रदेश है और आने वाले समय में देश को सबसे ज्यादा मेडल देने वालों में से भी हमारा ये प्रदेश खड़ा होगा और उसके पीछे कई कारण है जिस तरह से यहां पर योगी जी की सरकार ने खेलों की सुविधाओं को बढ़ावा देने का काम किया आधारभूत ढांचा खड़ा करने का काम किया है और अब मेजबानी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की उत्तर प्रदेश को मिली है मैं कह सकता हूं मित्रों वो दिन दूर नहीं जब दुनिया के किसी भी कोने में मेडल भारत जीता करेगा हमारा तिरंगा लहराया जाएगा भारत के राष्ट्रीय धुन बजा करेगी तो उत्तर प्रदेश का भी उसमें एक बहुत बड़ा योगदान होगा और ये उस समय दिख गया था जब माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश के लिए खेलों की यूनिवर्सिटी मेरिट में बनाने की शुरुआत की और हमारे युवा खिलाड़ियों के लिए हमारे युवाओं के लिए आपने किया है इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं सब युवाओं की ओर से करता मित्रों टोक्यो ओलंपिक्स में हमने आज तक के सबसे ज्यादा मेडल जीते सात पैरालंपिक्स में सबसे ज्यादा मेडल जीते 19 डेफ ओलंपिक्स में सबसे ज्यादा मेडल जीते और देश ने वहीं पर रुके नहीं प्रधानमंत्री जी ने उस समय भी खिलाड़ियों से टोक्यो ओलंपिक्स के दौरान भी जब उनका मनोबल थोड़ा गिर गया था उनसे बातचीत करके उनका मनोबल उभारने का काम किया भारत की बेटियों ने जब हॉकी का मैच किसके सामने जीता ऑस्ट्रेलिया की टीम जिसके आगे हम कभी जीतते नहीं थे हमारे भारत की बेटियों ने महिला खिलाड़ियों ने ऑस्ट्रेलिया को हराने का काम भी किया और हमारे हॉकी की पुरुषों की टीम ने 40 साल के सूखे को खत्म करके ब्रॉन्ज मेडल जीतकर फिर एक बार देश में खुशी की लहर को जागृत कर दिया था मुझे आज भी वो पल याद है खिलाड़ी थोड़े मायूस थे प्रधानमंत्री मोदी जी ने फोन किया एक एक खिलाड़ी से बातचीत की शायद ही दुनिया का कोई प्रधानमंत्री ऐसे हो या किसी देश का राष्ट्रपति ऐसा हो जो अपने खिलाड़ियों के जाने से पहले उनके आने के बाद खेलों के बीच में मनोबल बढ़ाने का काम करता हो हमारा सौभाग्य है कि मोदी जी ने खेलो इंडिया की स्कीम को लॉन्च तो किया ही पहले चार वर्ष जब पूरे हुए तो अगले पांच वर्षों के लिए बत्तीस करोड़ रुपया और मंजूर कर दिया है ताकि खेलो इंडिया योजना को आगे बढ़ाया जा सके आदनीय योगी जी मैं आपके समक्ष ये बात कहने पर गर्व महसूस कर रहा हूं आप सबने युवा साथियों के सामने कि हर साल खेलो इंडिया यूथ गेम्स में यूनिवर्सिटी गेम्स में विंटर गेम्स में लगातार खिलाड़ियों की संख्या बढ़ रही है खेलों की संख्या बढ़ रही है और उत्तर प्रदेश में तो आज तक के सबसे ज्यादा खेल जो यूनिवर्सिटी गेम्स में होंगे वो 21 गेम्स होंगे और सबसे ज्यादा खिलाड़ी भी इसी में भाग लेने के लिए आने वाले हैं देश भर में से 200 से ज्यादा यूनिवर्सिटी से आएंगे ये अपने आप में दिखाता है कि उत्तर प्रदेश सक्षम है इसका आयोजन करने के लिए और देश भर के खिलाड़ी आने के लिए तैयार हैं उस भूमि पर जहां पर दिव्य और भव्य काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण हो गया है और दिव्य और भव्य अयोध्या धाम और श्री भग भगवान श्री राम का मंदिर का निर्माण भी पूरा हो जाएगा वहाँ पर आने के लिए तैयार भी लेकिन सबसे बड़ी बात यह है मित्रों जितनी तेजी के साथ उत्तर प्रदेश की छवि बदली है मात्र पांच वर्षों में हमने बदलाव देखा है कि कभी इस राज्य को दंगों के नाम से जाना जाता था अब यहाँ के दंगल के लिए जाना जाएगा जो हमारे पहलवान यहां पर आकर करेंगे हमारे खिलाड़ी जो करेंगे कभी यहां पर गोलियां बरसती थी दूसरे ढंग से अब हमारे राइफल शूटिंग में हमारे मेडलिस्ट यहां से खड़े होंगे और देश के लिए मेडल जीतने का काम करेंगे राइफल शूटिंग जैसी प्रतिभाएं यहां पर देखने को मिलेंगे मित्रों यही नहीं ओलंपिक्स में जाने के लिए चाहिए खिलाड़ियों को उनके बोर्डिंग लॉजिंग ट्रेनिंग इस सारे का खर्चा कौन वहन करे मोदी जी की सरकार वहन करती है और देश विदेश में खिलाड़ियों की ट्रेनिंग का खर्चा भी सारा मोदी सरकार सहन करती और ऊपर से टॉप्स के एलीट एथलीट को पचास हजार रुपया महीना जेब खर्च भी देती है यही नहीं जो डेवलपमेंट एथलीट है उनका भी बोर्डिंग लॉजिंग ट्रेनिंग सारा खर्चा मोदी सरकार सहन करती है और 25,000 हजार रुपया महीना यानी कि 3 लाख रुपया साल का जेब खर्च अलग से देती है 3,000 खिलाड़ी जो खेलो इंडिया अकेडमीज में हैं उनको पाँच लाख रुपया रहने सहने का खर्च करती है ट्रेनिंग का और एक लाख बीस हजार रुपये उनको जेब खर्च अलग से देती है साढ़े चार सौ से ज़्यादा कोचिज की नियुक्ति हमने पिछले बारह महीने में कर दी और यही नहीं रुके मित्रों एक हजार खेलो इंडिया सेंटर्स आज देश भर में बनने जा रहे हैं साढ़े नौ सौ की मंजूरी दे दी है उत्तर प्रदेश के हर जिले में एक एक खेलो इंडिया सेंटर कम से कम बनकर तैयार पंद्रह अगस्त दो हजार तेईस से पहले हो जाएगा भाई और बहनों ये मोदी सरकार की नीतियां कार्यक्रम और खेलों के प्रति प्रधानमंत्री मोदी जी का जो एक सोच है कि भारत की सॉफ्ट पावर को हमें बल देना है भारत के खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा करने के लिए प्रेरित करना है और इसी दिशा में खेलो इंडिया योजना को आगे बढ़ाने का काम किया गया है मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं जब अन्य स्थानों पर खेलो इंडिया का भव्य आयोजन किया गया आदनीय योगी जी हमने बहुत आयोजन देखे आज से पहले मैं खुद खिलाड़ी रहा खेलों का एडमिनिस्ट्रेटर भी बहुत लंबे समय तक रहा लोग अपने मैच को तो लॉन्च करते थे पिछले वाले को कई बार भूल जाते थे आपने पिछले वाले को भी याद किया और जीतू को भी लॉन्च किया है खेलों की भावना को भी आगे बढ़ाने का काम किया है और यही भावना मोदी जी के योगी जी के उत्तर प्रदेश में देखने को मिलती है जब टोक्यो ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स में हमारे मेडलिस्ट जीतकर आए थे तो योगी जी की सरकार ने केवल उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों के नहीं देश भर के खिलाड़ियों को कैश प्राइज देकर सम्मानित किया था जो कोई और राज्य नहीं कर पाया था अरे भाई जोरदार तालियां योगी जी के लिए और उत्तर प्रदेश के लिए हो जाए मित्रों उत्तर प्रदेश खेलों का एक केंद्र बन रहा है और खेलों का केंद्र केवल आधारभूत ढांचा खड़ा करने से नहीं बनता खेलों का केंद्र केवल खेलों के आयोजन करने से नहीं बनता है खेलों का केंद्र खिलाड़ियों के उत्तम प्रदर्शन के कारण भी बनता है और आज मैं कह सकता हूं हमारी रेस वॉकर प्रियंका गोस्वामी ने पिछले कुछ वर्षों में कई पुरस्कार जीते हैं और 2024 के लिए पेरिस ओलंपिक्स के लिए कोटा भी बुक कर लिया है यही नहीं हमारे बहुत सारे खिलाड़ियों ने यहाँ पर हमारी शैली सिंह ने जो हमारे लॉन्ग जंप है शानदार प्रदर्शन उन्होंने करने का काम किया है और उत्तर प्रदेश का मान सम्मान उन्होंने बढ़ाया है ये हमारे साई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की खिलाड़ी है और मार्टिना देवी ने भी एक नहीं अनेक नेशनल रिकॉर्ड तोड़ने का काम यूथ गेम्स में किया है चाहे वो हरियाणा में हो या मध्य प्रदेश में हो अगर सबसे ज्यादा रिकॉर्ड किसी ने तोड़ने का काम किया तो मार्टिना देवी ने तोड़ने का काम किया दोनों ही बेटियां हैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी ये तीनों ही उपलब्धियां बेटियों की है और जब नरेंद्र मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो उस दिशा में हमारी महिला खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया है चाहे वो प्रियंका हो शैली सिंह हो मार्टिना देवी हो या अन्य खिलाड़ी हो आज मंच पर भी आपने देखा हमारे युवाओं के साथ युवतियों ने भी दिखाया कि कैसे शानदार उन्होंने काम किया है इसका लाइव प्रदर्शन भी टेलीविजन पर और टी टी पर किया जाएगा यही नहीं अभी हाल ही में आई वुमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुई उसमें भारत की एक बेटी ने नहीं चार चार बेटियों ने गोल्ड मेडल जीतने का काम किया वर्ल्ड चैंपियनशिप में निखे जरीन ने लवलीना ने स्वीटी ने और नीतू ने चार गोल्ड मेडल भारत को जिताए हैं इन सब के लिए बहुत बहुत बधाई हो तो बैडमिंटन में भी हमारे जो जोड़ी है सात्विक की और चिराग की उसने भी भारत को गोल्ड मेडल एशिया चैम्पियनशिप को दुबई में मिक्स डबल्स में दिलाया है उसको भी मैं बहुत बहुत बधाई अपनी ओर से देता हूँ यही नहीं हमारे युवाओं ने चौबीस मेडल अभी एशियन यूथ एथलेटिक्स में ताशकंद में जीते हैं और हमारी गोल्फर अदिति अशोक ने भी दूसरा स्थान लेडीज पीजीए टूर में पाया है एक नहीं अनेक उपलब्धियां मैं गिना सकता हूं लेकिन आज तो केवल हम लॉन्च करने आए थे मैस्कट का जर्सी का लोगों का और सॉन्ग का और आदनीय मुख्यमंत्री जी आपके कर कमलों से जब ये लॉन्च इतना भव्य हुआ है तो मैं ये कहूंगा इसका आयोजन भी उतना भव्य ही होगा यादगार होगा क्योंकि उत्तर प्रदेश जो आता है वो अच्छी यादें लेकर ही जाता है तो आयोजन भी भव्य होगा और हमारे यहाँ के दर्शक जो आएंगे वो भी खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे मुझे पूर्ण विश्वास है जो टेक्नोलॉजी का उपयोग यहाँ पर किया गया ऐसा लगता था शटल को मारा है तो शटल हमारे हाथ में आने वाली है ऐसा लगता है आर्चरी की है तो जैसे तीर हमारे तक गिरने वाला है अच्छा हुआ कोई ऊपर से बंदूक लेकर नहीं खड़ा था मेरे भाई और बहनों आज उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है हर क्षेत्र में खेलों का भी ऐसा क्षेत्र है जहां उत्तर प्रदेश नई ऊंचाइयां छुएगा मैं इस मंच से आदरणीय प्रधानमंत्री जी की उस सोच को सलाम करता हूं जो भारत को स्पोर्टिंग सुपर पावर बनाने की बात करता है स्पोर्ट सुपर पावर बनाने की बात करता है कि हम खेलों में भी महाशक्ति बनेंगे ये मोदी जी के सपने को योगी जी यहाँ पूरा करके देंगे और हम पूरे देश भर में अभियान चलाएंगे भारत को खेलों की ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे आप सब जुड़े आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद बोलो खेलो इंडिया खेलो क्या कहते हैं आप कैसे कहते हो भाई ये सबकी जुबान पर चढ़ जाना चाहिए खेलो इंडिया खेलो हां ऊपर से ठीक बोल रहे हैं ये जरा मेरे जाने के बाद मुख्यमंत्री जी से पहले यह धुन बज जाए क्योंकि मोदी जी कहते हैं खेलोगे तो खिलोगे तो खेलो इंडिया खेलो और खेलो और जीतो भी आप जीतेंगे भी क्योंकि जीतू ही हमारा मैस्केट है और जीत के लिए हम खेलेंगे यहां से शुरुआत करेंगे और पेरिस ओलंपिक तक रुकेगा नहीं भारत जीतता ही रहेगा आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद माननीय आपके प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए ये नए भारत का